जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सैफुल बारी, आई एम स्टूडेंट ऑफ आइकन इंस्टीट्यूट गया। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी, वो भी 7 मिनटों में। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जहां पर गुड्स और सर्विस का लेन देन होगा वहां पर आपको जीएसटी देना होगा। जीएसटी इज द टाइप ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों टैक्स जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लगता है प्रॉफिट और इनकम पर, और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, क्योंकि जो पर्सन है वो अपनी पॉकेट से डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है दोस्तों इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है दोस्तों वो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। जहां पर भी गुड्स और सर्विसेज का लेन देन होगा वहां आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आप अगर कोई गुड्स परचेज कर रहे हो तो अब वो सेलर के पास टैक्स का पैसा चला गया। अब वो सेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए उस टैक्स के पैसे को। अब बात करते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे वैट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया एक्सेट्रा। इसमें टोटल 17 तरह के एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं दोस्तों। लेकिन इन सब को हटाकर सिर्फ एक टैक्स ला दिया गया, जीएसटी। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा वन नेशन वन टैक्स। अब दोस्तों जीएसटी आखिर किन लोगों को देना होगा, तो जिनका टर्नओवर 20 लाख से अबव होगा, 20 लाख से अबव होगा, उन्हें जीएसटी देना होगा। इसमें एक स्पेशल टैक्स भी आता है दोस्तों, स्पेशल टाइप आता है। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हो तो अगर आपका टर्नओवर 10 लाख का है तो आपको जीएसटी पे करना होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब हो गया, वो पहाड़ी इलाका है दोस्तों, वहां के लिए 10 लाख ही बहुत ज्यादा होता है, उन्हें भी जीएसटी पे करना होगा। अब इंटर स्टेट सप्लायर अगर आप हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेलिंग हो रही है वहां, तो फिर आपको जीएसटी देना होगा। अगर ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, तो आप चाहे 10 रुपए का बिजनेस करो या 10,000 का बिजनेस करो, ट्रांजैक्शन करो, तो आपको वो जीएसटी पे करना होगा दोस्तों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सबसे पहले जीएसटी कहाँ इंप्लीमेंट हुआ, फ्रांस में इन 1954। दोस्तों इंडिया में ये 1 जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट हुआ। इंडिया में जो जीएसटी फॉलो होता है दोस्तों वो कैनेडियन मॉडल है, डुअल जीएसटी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 50% पैसा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। दोस्तों अगर आप जीएसटी फाइल नहीं करते हो तो 5 साल की जेल हो सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जीएसटी आखिर कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है दोस्तों। पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा यूटीजीएसटी और चौथा आईजीएसटी। आपको चारों पे नहीं करने हैं दोस्तों, आपको सिर्फ 2 पे करना है। जैसे अगर आप सेम स्टेट में गुड्स प्रोडक्शन भी कर रहे हो और बेच भी रहे हो, गुड्स की सेलिंग सेम स्टेट में हो रही है, तो फिर आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देना होगा। जैसे कि और फिर अगर आप यूटी में हो तो आपको सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी प्लस यूनियन टेरिटरी जीएसटी देना होगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर हो, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट बिहार में बन रहा है और जाकर बिक रहा है, सेलिंग हो रही है झारखंड में, तो आपको आईजीएसटी देना होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये इंटीग्रेटेड जीएसटी का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है और 50% उस स्टेट को देती है जहां फाइनली गुड्स की सेलिंग हुई हो। यानी मान करके बिहार में बना और झारखंड में जाकर सेलिंग हो रही है, तो झारखंड को वो 50% रिमेनिंग पैसे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जीएसटी स्लैब कितने टाइप के हैं, तो 7 टाइप के हैं दोस्तों। उसमें से 5 मेन हो गए और 2 स्पेशल केस हो गए। 5 जो मेन है दोस्तों उसमें आता है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और जो 2 स्पेशल केस है दोस्तों उसमें आता है 0.25% और 3%। अब बात करते हैं 0% जीएसटी में आखिर कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो नीड्स ऑफ अ कॉमन पर्सन, जो आप कॉमन पर्सन की जरूरी चीजें होती है डे टू डे लाइफ के लिए, वही चीजें 0% जीएसटी में आती है। ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल फूड्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ग्रेन हो गए, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे एक्सेट्रा। अब बात करते हैं दोस्तों 5% जीएसटी में कौन आएगा, तो 5% जीएसटी में बैक्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी आएंगे और जिनका मास कंजम्पशन होता है डे टू डे लाइफ में, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में,
तो वो भी आएंगे, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, उसके बाद पैक्ड राइस हो गया, पैक्ड वीट हो गया, ये सब 5% जीएसटी रेट में आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं 12% जीएसटी रेट। 12% जीएसटी रेट में प्रोसेस फूड आते हैं और कुछ गुड्स भी आ जाते हैं दोस्तों इसमें। वैसा फूड जिसको बनाने में दो तीन स्टेप लगता हो दोस्तों, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ये इसी में आता है। और उसके बाद अम्ब्रेला जो है दोस्तों, ये भी आता है इसी में एक्सेट्रा। अब बात करते हैं दोस्तों 18% जीएसटी रेट। 18% जीएसटी रेट को स्टैंडर्ड रेट भी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट जो होते हैं दोस्तों इसी 18% जीएसटी रेट में आते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, ये सब दोस्तों इसी 18% जीएसटी रेट में आएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं 28% जीएसटी रेट के बारे में। 28% जीएसटी रेट में लग्जीरियस आइटम आते हैं और टबैको आता है दोस्तों, जैसे कार, बाइक, एसी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। दोस्तों बात करते हैं दो स्पेशल टाइप की जीएसटी जो होती है, वो 0.25% और 3%। 0.25% जीएसटी रेट में आता है सेमी पॉलिश्ड एंड कट स्टोन्स, जो स्टोन अंगूठियां में लगी होती है, लगा होता है, वो स्टोन आता है 0.25% जीएसटी रेट में। और 3% जीएसटी रेट में गोल्ड एंड सिल्वर आता है। तो इसी के साथ दोस्तों जीएसटी का वीडियो हो गया है कंप्लीट। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो कभी भी हार मत मानो। एक शायरी लिखी है मैंने, गर बुलंदियों का शौक है तो खुद को चींटी मान ले, गिर के भी हो जा खड़ा ना हारने की ठान ले। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।